तो हाय गाइस, वेलकम अगेन। और आज हम बात करेंगे Asus के सितंबर के अपडेट को लेकर, क्योंकि अगस्त में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ था अगस्त के अपडेट को लेकर कि उनका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम करना बंद हो गया था या फिर स्लो हो गया था। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी अगस्त के अपडेट को लेकर उनके फिंगरप्रिंट सेंसर्स में। तो Asus ने भी सितंबर अपना नया अपडेट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको तीन अपडेट्स मिलेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर है। जो पहला अपडेट है वो है कैमरे को लेकर, जो कि फ्रंट कैमरा जो है इन्होंने यहाँ पर इम्प्रूव किया है। और जो सेकंड जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है वो है आपके फिंगरप्रिंट सेंसर में। और थर्ड यहाँ पे इन्होंने एनेबल किया है व्यू एलटी और वॉइस ओवर वाईफाई। तो ये वॉइस ओवर वाईफाई क्या है, ये थोड़ा अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो जब लॉन्च होगा तब इसके बारे में बात करेंगे। पर ये पक्का है कि हमारा जो Asus का हार्डवेयर है वो वॉइस ओवर वाईफाई को सपोर्ट करता है, तो उन्होंने जो है वो एनेबल कर दिया है। तो फ्यूचर में अगर वॉइस ओवर वाईफाई इंडिया में आएगा तो आपके फ़ोन में वो एनेबल होगा। तो चलिए जानते हैं कि वाकई में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं या नहीं फ्रंट कैमरा को लेके और फिंगरप्रिंट सेंसर्स को लेके। तो मैंने फ़ोटोज़ खींचे हैं अपडेट से पहले और अपडेट के बाद, और फिंगरप्रिंट को भी मैंने टेस्ट किया है, तो आप देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह है अपडेट के पहले की फ़ोटो। तो हम जूम कर देखते हैं कुछ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और एक जो है मैंने बैकग्राउंड ब्लर करके लिया है, तो ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं अपडेट के बाद की फ़ोटोज़। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा नहीं यहाँ पे, और सेम प्रॉब्लम इस फोटो में भी आई है अपडेट के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक से ब्लर नहीं हुआ है थोड़ी जगह में। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रंट कैमरे को लेके। और वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो वीडियो में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पे। तो वीडियो में नॉइस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइस है वीडियो में, और अपडेट के बाद भी जो है आपको नॉइस देखने मिलेगा वीडियो में। तो नॉइस बिल्कुल विजिबल है, कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि Asus ऐसा क्यों कर रहा है। इतने अपडेट्स के बाद भी Asus कैमरे में जो है फेल हो रहा है, यहाँ पे नॉइस काफ़ी आ रही है वीडियो में। तो आई थिंक Asus को अपने कैमरे सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा और वर्कआउट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कैमरे में जो है ये थोड़ा पीछे हो रहा है। और बात करें यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर्स की, तो मुझे यहाँ पे उसमें भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के मुकाबले। और आपकी जो फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। मेन बात जो वो है कि वो सॉल्व हो गई है कि फिंगरप्रिंट जो है कभी कभी स्लो हो रहा है या फिर फिंगरप्रिंट ले ही नहीं रहा था, तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए अपडेट्स कैसे रहे, क्या वाकई में कैमरे में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, आपको क्या लगता है, या फिर फिंगरप्रिंट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, क्या फिंगरप्रिंट सेंसर आपके फ़ोन में काम कर रहा है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं सबको अगली वीडियो में चलें, बाय बाय, टेक केयर, मिस सचिन साइनिंग ऑफ।